हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, दिल्ली में नई भर्ती निकली है जिसमें 233 पद हैं, योग्यता 10वीं पास है। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, हरियाणा पुलिस की भर्ती भी निकली हुई है हरियाणा में, तो यदि आप हरियाणा पुलिस भर्ती कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं तो आप हमारी इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड के पब्लिकेशन की तरफ से मिलकर ये हमने बुक निकाली है और ये एक गाइड बुक है। इसमें सभी सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है। दोस्तों, इसमें 2018 में जो पेपर हुए थे पुलिस के वो भी दिए गए हैं। 2000 से ज़्यादा पर्सन इसमें नए भी डाले गए हैं, तो आप इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और दोस्तों, ये बुक आपके लिए अच्छी बुक साबित हो सकती है यदि आप इसको पूरी शिद्दत से पढ़ते हो। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं भर्ती के बारे में डिटेल से, क्या कुछ इसके अंदर बताया गया है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये भर्ती का नोटिफिकेशन है और ये जो भर्ती आपकी निकली है इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकाली गई है और जो पोस्ट का नाम है वो है आपका GDS, ग्रामीण डाक सेवक। क्या है? GDS के पदों पर यह भर्ती निकली है, ठीक है। और ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है दोस्तों, ठीक है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। और दोस्तों, यहाँ पे इसके अंतर्गत दो प्रकार की वैकेंसी आती है, BPMB और ABPMB। यहाँ पे आप सैलरी दोस्तों अलग अलग से सैलरी यहाँ पे बताई गई है और ये जो भर्ती है दोस्तों पार्ट टाइम की तरह आप मान सकते हैं इसको। इसमें जो एज की डिमांड की गई है वो 18 से 40 साल इसमें एज बताई गई है और जो एज की काउंटिंग है आपकी वो 27/1/2021 इस डेट को की जाएगी कि आप कितने साल के होते हो। और दोस्तों, इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपकी अलग से दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। SC ST को 5 साल की छूट है और OBC को 3 साल की छूट है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मिनिमम 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और दोस्तों, साथ में आपके कंप्यूटर नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। जो बच्चा यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, कंप्यूटर की नॉलेज उसको ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, आपको साइकिलिंग का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी कि आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, तो ही आप GDS पोस्ट के लिए आप एलिजिबल माने जाओगे, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन हमारी 10th होगी, एज मैंने आपको बता दी है और इसमें जो आपकी फ़ीस रहेगी फॉर्म भरने की वो जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, AWS कैटेगरी है, उनके लिए 1000 रुपये की फ़ीस यहाँ पे मांगी गई है। और दोस्तों, जो SC ST कैंडिडेट है और जो वुमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, उनकी यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। दोस्तों, इस भर्ती में आपका कोई भी टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट जो आपके 10वीं के नंबर है, जो 10वीं की आपकी परसेंटेज होगी उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली बनेगी और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस वेबसाइट से आपको अपना जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना है और जो लास्ट डेट है इसकी वो है आपकी 26 फरवरी 2021, ठीक है। और फीस आपको ऑनलाइन ही भरनी है, ठीक है। और दोस्तों, इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप दोस्तों ये हेल्पलाइन नंबर दिया इन्होंने, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या कुछ हेल्प आप मांग सकते हैं यहाँ से, ठीक है। दोस्तों, तो ये भर्ती निकली थी आपकी दिल्ली में, 233 वैकेंसी है GDS की, ग्रामीण डाक सेवक की, ठीक है। और हरियाणा पुलिस की भर्ती भी हरियाणा में निकली हुई है जिसका एग्ज़ाम भी है 27 और 28 मार्च को। तो दोस्तों, 2 महीने का समय है। यदि आप वीडियो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपने ऐप पर KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मात्र 999 रुपये, 1 फरवरी रात के 12 बजे तक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।